हेलो एवरीवन, तो एज प्रॉमिस चॉकलेट केक की रेसिपी आप लोगों के लिए हाजिर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमें इसके इंग्रेडिएंट्स में कुछ ही चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि मैदा, पाउडर्ड शुगर, कोकोआ पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, एग एंड वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे शुगर, वन एग, वनीला एसेंस और उसे अच्छे से विस्क करेंगे एक विस्क से। मिक्सचर जब तक ऐसा ना हो जाए तब तक आप इसे मिस्क करते रहें। उसके बाद हम एक प्लेट में कोकोआ पाउडर, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा और बेकिंग सोडे को सीव कर लें। उसके बाद इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके एग वाले मिक्सचर में डालें और अच्छे से विस्क करें। उसके बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे और फिर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। मैंने देखा कि मेरा मिक्सचर थोड़ा थिक हो रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लिया, फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तब तक हमने अपने एक पैन को प्रीहीट किया है, उसमें एक स्मॉल छोटा सा स्टैंड लगा देंगे हम और एक एल्युमिनियम के वेसल को ग्रीस कर लेंगे ऑयल और मैदा से। उसमें अपना केक मिक्सचर पोर कर देंगे। साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, उसे हमने केक मिक्सचर के ऊपर डाल दिया है और केक मिक्सचर को हमने उस वेसल के साथ एक बड़ी वेसल के अंदर रख दिया है। उसको लिड से कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे फॉर एटलीस्ट 15 टू 20 या 18 मिनट्स तक हम इसे कुक करेंगे। कुक करने के बाद आप इसे टूथपिक से चेक कर सकते हैं। देखिए, हमारा चॉकलेट केक रेडी है। ये बहुत स्पॉन्जी और टेस्टी केक बनता है। इसमें एग की भी स्मेल नहीं आती क्योंकि इसमें वनीला एसेंस यूज्ड है। ये बहुत अच्छा टेस्टी केक होता है और आराम से, जैसे क्रिसमस आने वाला है तो उस पर आराम से इसे बना सकते हैं। इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करे थे, उनका बहुत अच्छा क्रंची फ्लेवर आता है। इस चॉकलेट केक को हम चॉकलेट सिरप या चॉकलेट सॉस के साथ गार्निश कर सकते हैं और बहुत टेस्टी रहता है।